वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 है विंड पावर सिस्टम के ऊपर। और आज का टॉपिक पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हम पढ़ रहे थे। ये मैंने दोबारा स्ट्रक्चर ड्रा किया है विंड टरबाइन का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का। इसमें हम तरतीब से जाते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने वन। अब वन में क्या है और किस चीज़ का बना होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वन में यहाँ पे एक रोटर स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन सिस्टम इज रोटर एंड हब। अक्सर बुक में इसको इकट्ठा लिखा गया है। अब रोटर एंड हब का क्या मतलब है? रोटर क्या होता है? द रोटेटरी पार्ट ऑफ द विंड टरबाइन सिस्टम। ये रोटेशन करता है और इसकी रोटेशन से मैकेनिकल इनपुट मिलती है जनरेटर में। बहरहाल ये रोटेटरी पार्ट है और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ब्लेड्स पर मुश्तमिल होता है। ब्लेड मोस्टली दो तरह से होते हैं, मतलब आपके पास टू ब्लेड सिस्टम भी होता है और थ्री ब्लेड सिस्टम यूज होता है। तो रोटर ब्लेड होता है और ब्लेड के दरमियान में एक पार्ट होता है जो सारे ब्लेड को इकट्ठा होल्ड रखता है। तो होल्ड रखने वाला हिस्सा हब कहलाता है और जो ब्लेड्स होते हैं उसको एक्चुअल रोटर कहते हैं। अब ये रोटर किस चीज़ का बना होता है? तो हम कहते हैं रोटर कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। अब कंपोजिट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? या तो ये आपके पास फाइबर ग्लास का बना होगा, या आपके पास कार्बन और फाइबर की रीइंफोर्समेंट के साथ होगा, कार्बन और फाइबर की रीइंफोर्समेंट की जाएगी, मतलब दोनों को एट ए टाइम यूज़ किया जाएगा, दोनों से बनाया जा सकता है। और इसकी मिसाल क्या है? इसके लिए टिपिकल वर्ड, टेक्निकल वर्ड मार्केट में यूज़ होती हैं GRP और CFRP। बार फिलहाल तक आप ये याद रखें कि ये क्या है, कॉम्पोजिट मटेरियल है, कार्बन फाइबर के कॉम्पोजिट मटेरियल है। इसी तरह आपके पास वुड, लकड़ी भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन इन कम्बिनेशन, इन कंपोजिशन विद इपॉक्सी। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट के हवाले से है कि विंड टरबाइन का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का रोटर और हब स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हो सकता है। इसमें वन ब्लेड वाला सिस्टम है लेकिन वो यूज नहीं होता। टू ब्लेड और थ्री ब्लेड स्ट्रक्चर, रोटर स्ट्रक्चर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं कंपोनेंट नंबर टू की तरफ। बीच में एक शाफ्ट लगा होता है, ये शाफ्ट कनेक्ट करता है रोटर स्ट्रक्चर को, रोटर एंड हब को, विद जनरेटर, विद सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है, अब ये चीज़ हमने देखनी है। सेकेंड पार्ट हमारे पास ड्राइव ट्रेन होता है। ड्राइव ट्रेन में बेसिकली गियर सिस्टम होता है। जो कि एक एंड पे लो स्पीड शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरी एंड पे हाई स्पीड शाफ्ट। मतलब ये जो शाफ्ट है ये लो स्पीड वाली शाफ्ट है, ये कनेक्ट करती है इंटरकनेक्ट लो स्पीड शाफ्ट विद हाई स्पीड शाफ्ट। वजह क्या है? आपको पता है कि विंड की स्पीड कम होती है तो रोटर की स्पीड कम होगी, तो रोटर की तरफ जो शाफ्ट है ये आपके पास कम स्पीड से चलेगा। हमें जनरेटर के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम बीच में गरारीज लगा लेते हैं। गरारीज का फ़ायदा ये हो जाता है कि वो स्पीड को बढ़ा देती हैं, तो अगले एंड पे जो उसकी स्पीड निकलती हैं एज ए इनपुट फॉर जनरेटर, वो हमारे पास हाई स्पीड वाली होती है। तो इसलिए जनरेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। तो ये काम होता है गियर सिस्टम का, जो आपके पास जनरेटर की जनरेशन में हेल्प करती है, मैकेनिकल इनपुट देती है हाई स्पीड शाफ्ट की मदद से। और ये शाफ्ट कपल होता है जनरेटर के, रोटर के साथ। अब वो जनरेटर, थर्ड पार्ट हमारा क्या है? जनरेटर है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं।
तीसरा पार्ट हमारे पास जनरेटर है, कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेंट टरबाइन। ये जनरेटर क्या हो सकता है? जनरेटर आपको पता है कि वेंट के ऊपर हमारे पास दो तरह के जनरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला जनरेटर है स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर SQIG, और DFIG। ये दो ऑप्शन मोस्टली यूटिलाइज होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेंट एज ए फ्यू। बाकी आप यूज़ कर सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर भी, इंडक्शन जनरेटर भी, लेकिन सिंक्रोनस मोस्टली कांस्टेंट स्पीड पे इस्तेमाल होता है। लिहाजा वेंट की स्पीड चूंकि कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सिंक्रोनस जनरेटर वेंट के ऊपर इस्तेमाल कम होता है। मोस्टली इस्तेमाल होने वाले इंडक्शन जनरेटर है वेंट के ऊपर, और इंडक्शन के दो वर्जन इस्तेमाल होते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर और डबली फीड इंडक्शन जनरेटर, डबली फीड इंडक्शन जनरेटर DFIG। तो ये आपने कंपोनेंट्स थर्ड कंपोनेंट में याद रखना है। अच्छा, फोर्थ कंपोनेंट कंट्रोल है। कंट्रोल हमारे पास ये ब्लॉक है। कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपने याद रखना है। कंट्रोल में सेंसर लगे होते हैं, कंट्रोल में कंट्रोलर लगे होते हैं, कंट्रोल में पावर एम्पलीफायर लगे होते हैं, कंट्रोल में एक्चुएटर लगे होते हैं, और कंट्रोल में इंटेलिजेंस होती है। तो आपने इसमें ये पांच कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स बताने हैं कि ये इसके अंदर काम करते हैं। सेंसर में क्या होता है? स्पीड सेंसर होता है, और इस टेम्परेचर सेंसर होता है, करंट सेंसर मतलब सीटी स्पीटीज वगैरह होते हैं। कंट्रोलर में हमारे पास कोई मैकेनिकल कंट्रोलर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर हो सकता है, और पावर एम्पलीफायर हमारे पास मैकेनिकल पावर एम्पलीफायर हो सकते हैं वाल्व की सूरत में, पंप्स की सूरत में, क्योंकि मैकेनिकल प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर भी हो सकता है। एक्चुएटर में हमारे पास क्या होता है? पिस्टन सिस्टम मैकेनिकल एक्चुएटर, और इस तरह मोटर भी हो सकते हैं एक किसी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर हमारे पास सोलेनाइड यानी कि कॉइल होंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास कंट्रोल में है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हमारे पास कोई कंप्यूटर होगा या कोई माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली बगैर ह्यूमन इंटरप्शन, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस ऑफ द वेंट टरबाइन सिस्टम कंट्रोल करेंगे। फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास है मेन फ्रेम एंड या सिस्टम। मेन फ्रेम आपको पता है कि ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, नीचे की तरफ से, और ये या सिस्टम इसके साथ मिलके काम करता है। मतलब नीचे से जो फ्रेम होता है ना वो मेन फ्रेम होता है, और साथ में इसके साथ या सिस्टम लगा होता है। या सिस्टम बेसिकली इसकी ओरिएंटेशन, इसकी मूवमेंट, इसके साथ रिलेटेड आपके पास एक सिस्टम है। इसमें एक्टिव या होता है और एक दूसरा या सिस्टम होता है, मतलब इसमें हमारे पास ये कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इसकी स्पीड के हिसाब से मेन फ्रेम और बाकी कंपोनेंट्स की पोजीशनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ है हमारे पास टावर, टावर एंड फाउंडेशन। ये सेवन पे आता है। ये मैकेनिकल पार्ट ऑफ द वेंट टरबाइन सिस्टम है। आपको पता है टावर का काम क्या होता है? एक हाइट पे इस सारे सिस्टम को रखना, क्योंकि हाइट के साथ हमारे पास वेंट की जो प्रोफाइल है वो बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ द वेंट आपके पास एल्टीट्यूड पे थोड़ी सी बेहतर आपको मिलती है, क्योंकि ज़मीन का जो है टेरेन, जो अपर सरफेस है, वो उतार चढ़ाव की वजह से वेंट की स्पीड को नीचे रिड्यूस कर लेता है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वेंट की स्पीड बढ़ती है, इसलिए हम बीच नीचे क्या करते हैं, टावर लगाते हैं। तो ये टावर या पोल हमारे पास इसको इरेक्ट रखता है। ये स्टील का ट्यूबुलर टावर हो सकता है, ट्यूबुलर स्टील टावर,
इसी तरह कंक्रीट का टावर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बहरहाल ये इसके अंदर आपने मैकेनिकल पार्ट में ये बातें लिखनी है। आपको पता है कि इसको यूज़ किया जाता है एरेक्टेड रखने के लिए, पूरे सिस्टम को हवा में ऊपर रखने के लिए ताकि हाई स्पीड वेंट के साथ इंटरेक्शन कर सके। और नीचे हमारे पास सेवन्थ नंबर पे फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन आपको पता है कि ज़मीन में गाड़ने के लिए होती है, और ये फाउंडेशन आपके अर्थ के अंदर ग्राउंड के अंदर वाटर लेवल की बुनियाद पे चेंज हो सकती है। तो बहरहाल फाउंडेशन भी मैकेनिकल का सिविल का टॉपिक है। सबमर्ज फाउंडेशन, सीमी सबमर्ज फाउंडेशन, रॉकी फाउंडेशन डिफरेंट एरियाज के लिए सिलेक्ट की जाती है। एट कंपोनेंट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके पास, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। पूरी सप्लाई जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, केबल्स के थ्रू ये सप्लाई ग्रिड में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट में क्या हो सकते हैं, केबल हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल का रिले सिस्टम हो सकता है। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो लगे होते हैं ना इसके साथ एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, वो हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सारे आ जाते हैं जो कि ग्रिड के साथ इंटरकनेक्शन का काम समझा देते हैं एक्सेट्रा। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है निसेली, नाइन्थ कंपोनेंट, ये निसेली कवर है। ये जैसे आप देखें कि साइड कवर होता है, मतलब मोटर में फ्रंट कवर होता है, तो इस तरह कवरिंग होती है। रॉकेट के ऊपर इस तरह की कवरिंग होती है, ऊपर से अलग कवरिंग एक हिस्से के लिए, नीचे से अलग कवरिंग, वो अलग से माउंट की जाती है। तो ये ऐसी कवरिंग सिस्टम है, तो ये भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। और इसका इसका ये क्या होता है, पीस वाइज कवर होता है। बॉडी फ्रेम होता है आप यू कह सकते हैं, लेकिन अपर बॉडी के लिए, और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर टरबाइन सिस्टम थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। आप वीडियो वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।